मुरादाबाद महानगर में नगर निगम प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। सभी व्यापारियों से सहयोग की अपील की जा रही है। मुरादाबाद में मंगलवार को सराफा मार्केट से लेकर पीली कोठी चौराहे तक अतिक्रमण हटाओ अभियान नगर निगम की टीम ने चलाया, जहां पर जेसीबी की मशीन की मदद से रोड किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने का काम किया गया। इस दौरान कई व्यापारियों के विरोध का सामना भी नगर निगम प्रशासन की टीम को करना पड़ा। नगर निगम के सहायक अभियंता रईस अहमद का कहना था कि मुरादाबाद में लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें रोड किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए काम किया जा रहा है। देखा गया कि नाली और नालों के ऊपर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसके चलते नालों की सफाई भी ठीक ढंग से नहीं हो पाती है। यही वजह है कि थोड़ी सी वर्षा होने के बाद जलभराव जैसी समस्या शहर के अनेक स्थानों पर हो जाती है। ऐसे में जलभराव की समस्या से शहरवासियों को निजात दिलाने के लिए नालों की सफाई होनी जरूरी है। ऐसे में नालों पर किए गए अतिक्रमण को भी हटाने का काम किया जा रहा है। साथ ही गरबा से ज्यादा रोड किनारे किए गए अतिक्रमण की वजह से यातायात में काफी समस्या उत्पन्न होती है। इसी समस्या के समाधान के लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा पूरे महानगर में बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जहां सभी से सहयोग की अपील की जा रही है। आगे अभियान लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। हमारे यहाँ जो अभियान चल रहा है, इस समय जो लोगों ने साइड पटरी पे अतिक्रमण कर रखा है और नालियों को कवर कर लिया है, बारिश का मौसम चल रहा है, क्षेत्र में पानी न भरे और लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, इसलिए यह अभियान हमारा कंटिन्यू चल रहा है। डेली हर किसी न किसी वार्ड में चलता रहता है। तो उसका मकसद ये है कि जो लोगों ने पटरी पर अस्थाई अतिक्रमण कर रखा है, पटरी पर लोग बैठ जाते हैं, उनको हटाना है। जहाँ नाली लोगों ने कवर कर ली है उसको खुलाना है उनको, ताकि पानी सुचारू रूप से जा सके। वर्षा ऋतु चल रहा है, लोगों को खुद इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा कोई काम न करें जिससे पब्लिक को परेशानी हो। यह अभियान हमारा कंपनी पास से चल रहा है और अभी ये गुणवत्ति होते हुए यह आज हमारा SFI का जो क्षेत्र है उसमें सारे में घूमेगा। इससे हमने पेपर के माध्यम से, आपके माध्यम से पहले हम बता चुके हैं, और बराबर आने से पहले एक दिन पहले हमारा बता दिया जाता है कि यहाँ से अतिक्रमण चलेगा, आप लोग हटा लीजिए अपना। इसके बाद लोग हटाते नहीं है, हमें मजबूरी आना पड़ता है, लोगों को परेशानी होती है। तो कुछ सामान भी जब्त किया गया है? कुछ सामान जब्त कर रहे हैं, उसकी रसीद जुर्माना मौके पर लेकर के वापस कर रहे हैं। उसका आगे के लिए हिदायत दे रहे हैं कि अगर दोबारा लगा तो उसकी रसीद 3 गुना काटी जाएगी।